अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बासित, यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए आसानी हो जाए। मेरी कोविड की जो वैक्सीनेशन हुई थी वो पाकिस्तान से हुई थी, साइनोफार्म लगी थी जो लाहौर के जो एक्सपो सेंटर में जब स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन का प्रोसेस तब लगी थी। तो मैं अपनी प्राइमरी केयर हॉस्पिटल जो था उससे डॉक्टर से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि ना आप बेहतर है कि ना अपनी शुरू से दोबारा करवा लें, फाइज़र की करवा लें, मॉडर्ना की करवा लें, तो फर्स्ट सेकंड डोज और बूस्टर्स लग जाएं। तो उसने कहा था कि आप इस अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं मेन हॉस्पिटल में जहाँ पर ये इनके कोविड सेंटर का बना हुआ है वैक्सीनेशन का। तो हर जो उनसे सिटी उसके अंदर एक है इनका मेन हॉस्पिटल, तो काइज़र मेरी इंश्योरेंस है जिसका काइज़र जो है सेंटा क्लारा में आया हूँ। 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 10 मिनट पड़े हैं, तो अंदर जाके पहले हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस देखते हैं कि शुरू से ही दोबारा होगी या सिर्फ बूस्टर लग जाएगा। और हमने मास्क अपना ले लिया क्योंकि जो है मास्क मैंडेट आया हुआ दोबारा कि कोई भी स्टेट या फेडरल बिल्डिंग उसमें मास्क आने पहन के जाना होता है। तो आपको मैं वीडियो के एंड में फिर उसकी एक समरी दे दूँगा क्या बनता है। सो बेसिकली ये काइज़र मेरी इंश्योरेंस इनके साथ है, काइज़र के साथ, और इनका ये हॉस्पिटल है सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का, तो सैन होजे में भी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्रुप है यूएसए का और ये ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के अंदर है और इनकी मल्टीपल लोकेशंस होती हैं। तो अंदर चलते हैं जाके अपना वैक्सीनेशन वाला काम करवाते हैं। हमने जाना 270 पर। कितना खूबसूरत हॉस्पिटल है ये इनका। तो अभी हम फारिग होकर वापस आ गए हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस था क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट पहले करवाई हुई थी। 4 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। मेरे जो इंश्योरेंस है वो काइज़र ग्रुप के थ्रू है, तो इनके काइज़र का मेन हॉस्पिटल है सेंटा क्लारा सिटी का, मैं वहाँ आया हुआ था। सेकंड फ्लोर पर इनकी फार्मेसी वाला जो उनका एरिया था उसमें उसने ना उन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन का सारा सेटअप बनाया हुआ था। क्यू में लगते हो आपके, जिस समय बारी आती है आप अंदर जाते हैं, लेफ्ट साइड पर आगे फाइजर्स की सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, राइट साइड पर आगे मॉडर्ना लगी हुई हैं। तो उन्हें पूछा कि आपको ये कौन सी डोज है। मैंने कहा मेरी फ़र्स्ट होगी, लेकिन मेरी पहले ना वैक्सीनेशन हो चुकी है लेकिन वो पाकिस्तान में हुई है। 2021 में जब कोविड का पहली वेव और सब कुछ हुआ था, तो जून जुलाई में आपको याद होगा कि एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर बना था पाकिस्तान में, सॉरी लाहौर का जो बना था, तो मेरी जो एज ब्रैकेट थी उसमें साइनोफार्म थी, लेकिन कैनसिनो और साइनोवैक भी आपको याद होगा कि मिल रही थी और लोगों को लग भी रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मेरी साइनोफार्म लगी हुई है और मेरे पास नादरा का जो 50 या 100 वाला जो भी सर्टिफिकेट होता उस वक्त मिल रहा था, वो मेरे पास सर्टिफिकेट भी था। मैंने फ़ोन में वो दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस तरह है कि हम ना अपने जो वैक्सीनेशन का डायरेक्टर है उससे पूछ लेते हैं कि आपको क्या वो रिकमेंड किया करता है, क्योंकि उनके पास चार्ट थे जिसमें वो लिखा हुआ था कि साइनोफार्म, साइनोवैक्स, कैनसिनो ये सब कुछ रजिस्टर्ड हैं और ये रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि आप वो पहला शॉट में दोबारा लगाएं वैक्सीनेशन का या सिर्फ बूस्टर लगाएं। तो उस चीज़ पर उनको क्लैरिटी चाहिए थी। तो उन्हें मैंने कहा ठीक है मेरे पास टाइम है आप पूछें। तो उन्हें अपने डायरेक्टर से पूछा, 5 से 10 मिनट लग गए उनको उससे बात करने में। उसने कहा कि जिस बंदे को साइनोफार्म लगी हुई थी वी रिकमेंड के ना वो सिर्फ बूस्टर्स लगवाए रादर देन दोबारा सीरीज स्टार्ट शुरू से करवा ले, लेकिन कह रहा है अगर कोई करवाना चाहता है तो हम कर देंगे, हमें कोई मसला नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है यार बूस्टर को रेकमेंड कर दे, बूस्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइजर का बूस्टर जो था वो उन्हें लगा दिया मुझे, वही पाकिस्तान वाले जो 5 से 7 मिनट का प्रॉपर प्रोसेस है वो बूस्टर लग जाता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो सा ये बूस्टर था जो अब इस वक्त अवेलेबल है मार्च 2023 में, ये फुल जो है ना कह लें लेटेस्ट वाला है या जो कह लें जो फुल एडवांस फॉर्म वाला है। इससे ये फ़ायदा है कि आपको बूस्टर एक चाहिए होता है रादर देन दो बूस्टर चाहिए हो, तो अब टिल डेट जब तक कोई नई वेरिएंट का कोई बूस्टर नहीं आता या कोई नया वर्जन नहीं आता तब तक मुझे बूस्टर नहीं चाहिए दोबारा, वो सब कुछ कवर्ड हो गया है। और ये भी मिला था एक बैज है कि वैक्सीनेटेड है, काजे ग्रुप का स्टिकर था और वैक्सीनेशन कार्ड था, दूसरी साइड पर सारी मेरी डिटेल्स है तो वो दिखाऊंगा नहीं साइड। और अच्छी बात ये हुई है कि इन लोगों ने ना मेरी जो पाकिस्तान वाला जो था ना सर्टिफिकेट उसको भी लिंक कर दिया अपने रिकॉर्ड के अंदर, और वो वैक्सीनेशन भी इसमें ऐड हो गई है। तो वो प्रॉपर वो हिस्ट्री में शो होता है कि फ़र्स्ट डोज मेरी लगी हुई है पाकिस्तान में साइनोफार्म की, फिर सेकेंड डोज साइनोफार्म की लगी हुई है, और थर्ड जो है फाइज़र का बूस्टर लगा हुआ है मेरे। तो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया, ये बूस्टर भी लग गया। तो अब तो वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि मेरी जर्नी से कनेक्ट रहें और तमाम आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रोसेस या इस वीडियो के बारे में या कोई सजेस्ट करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनको मैं एड्रेस करूँगा। जिंदगी रही तो आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।